हेलो व्यूअर्स, आज हम बनाने जा रहे हैं मटन सीख कबाब, वो भी तवे पे बिना तंदूर जलाए। आसानी से हम इसे बना सकते हैं और इसे मैंने बनाने के लिए बड़े वाले सीख का भी इस्तेमाल नहीं किया, बिल्कुल नॉर्मल मैंने सिंपल छोटे वाले जो सीख आते हैं उसका इस्तेमाल किया है। अगर आपके पास वो भी नहीं ना, तो आप इसे पेंसिल भी इनसाइड करके बना सकते हैं और बहुत ही टेस्टी बनेंगे, सॉफ्ट बनेंगे, जूसी बनेंगे और ये सीख से उतरेंगे भी नहीं। पूरा प्रोसेस आप ध्यान से देखिएगा, तभी आप इसे समझ पाएंगे और बहुत ही मज़े का ये बनेगा। आप इसे एक बार ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। तो फिर चलिए देख लेते हैं कि ये मटन सीख कबाब मैंने घर पे तवे पे किस तरह से तैयार किया है। मटन सीख कबाब बनाने के लिए सबसे पहले हमने 80% जो मटन होता है वो लेना है और 20% इसका फैट यूज़ करना है। अगर आपके पास फैट नहीं ना, तो आगे मैं वीडियो में बताऊंगी आपको क्या करना है। तो पहले दोनों चीज़ों को अच्छे से हमने इसे पीस लेना है। ये देखिए, बारीक मैंने इसे पीस लिया है। जितना आप इसे पीस सकते हैं ना, उतना बिल्कुल बारीक वाला पीस लीजिएगा। चलिए अब हम इसके अंदर मसाले ऐड कर देते हैं। सबसे पहले जाएगा अदरक लहसुन का पेस्ट 1 बड़ा चम्मच भरकर। 1 मीडियम साइज की ऑनियन है जिसे मैंने कद्दूकस करके इसका जो एक्स्ट्रा पानी है उसे मैंने निकाल लिया है, बिल्कुल होना चाहिए। फ्रेश हरा धनिया और पुदीना है 1 मुट्ठी के बराबर। और यहाँ पे गीली वाली लाल मिर्च है, जो लाल मिर्च होती है ना, वो इस तरह से मैंने बारीक टुकड़ों में चॉप कर लिया है। अब हमें डालेंगे पेपरिका 1 चम्मच, साथ में हम डालेंगे रेड चिली पाउडर 1 चम्मच भरकर। धनिया पाउडर हम इसमें ऐड करेंगे 1 बड़ा चम्मच भरकर, या फिर आप साबुत धनिया को भी रोस्ट करके इसका दरदरा भी पीस के आप डाल सकते हैं। जीरा पाउडर और काली मिर्च का पाउडर है 1 छोटा चम्मच, गर्म मसाला पाउडर है 1 छोटा चम्मच के करीब। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग और साथ में 1 बड़ा चम्मच भरकर लेमन जूस इसमें ऐड कर देंगे। और साथ में 1/2 छोटा चम्मच के करीब हम इसके अंदर बेकिंग सोडा, यानी कि खाने वाला जो सोडा होता है ना, उसे हम ऐड करेंगे। अगर आपके पास ये बेकिंग सोडा वगैरह नहीं है ना, तो आप कच्ची पपई का पल्प भी इसमें ऐड कर सकते हैं। अब सभी चीज़ों को बहुत अच्छे से हमें मिक्स करना है। इसको हमें जितना अच्छे से मिक्स करेंगे ना, रिजल्ट आपका उतना ही अच्छा आएगा। यानी तकरीबन 5 से 7 मिनट तक इसे हमें इस तरह से हाथों से मल मल कर इसे मिक्स करना है, जब तक ये पूरा एक जान ना हो जाए। ये देखिए, हमारा बैटर पूरा अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब मिक्स करने के बाद हम क्या करेंगे, जैसे हमें आटा गूंथते हैं रोटी चपाती के लिए ना, इस तरह से हाथों में थोड़ा थोड़ा सा पानी लगा लेना है और इसे अच्छे से स्पंज देना है और स्पंज दे के इस तरह से हमें छोड़ देना है तकरीबन आधे घंटे के लिए, ताकि अच्छे से सेट हो जाए और प्रॉपर मसाले जो है ना, वो अच्छे से मिक्स हो जाए। अब जब तक ये मिक्स हो रहा है ना, एक छोटा सा काम कर लेते हैं। देखिए, इस तरह से मेरे पास सीख है। अगर आपके पास इस तरह से कोई भी सीख अवेलेबल ना हो ना, तो आप जो स्केल आती है ना बच्चों की, या फिर जो स्टिक होती है जिस पे हम सिली कबाब वगैरह बनाते हैं ना, तो आप उससे भी इस तरह से कॉयल पेपर में रैप करके बना सकते हैं, कोई भी परेशानी नहीं। तो यहाँ पर फिलहाल मेरे पास इस तरह से सीख है, तो मैं उसका ही इस्तेमाल करके बनाने जा रही हूँ। यहाँ पर देखिए, हमारी जो बैटर है वो बहुत अच्छे से सेट भी हो चुका है। तो चलिए, इसमें से एक पोर्शन मैंने ले लिया है। हाँ, इसे करने से पहले हम क्या करेंगे, किसे एक बार और अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इस तरह से एक जो बड़ी हमें चपाती या रोटी बनाते हैं ना, उतना बड़ा सा एक लुआ लेंगे और हाथों को है ना पानी वाला कर लीजिएगा। ये बहुत ज़्यादा चिपकता है क्योंकि बैटर बहुत ज़्यादा हमने अच्छे से इसे ब्राइंड कर लिया है। और इस तरह से हमने पहले इसके जितने भी लम्स है वो ख़त्म कर लेने हैं और इस तरह से फैला देना है। सीख को इस तरह से अंदर से इनसाइड करना है और इस तरह से लंबी की लंबे शेप में इसे फैला देना है। अगर आप चाहें ना, तो इसे फिंगर दे, वरना आप इसे भी कर सकते हैं। देखो, हाथ में थोड़ा सा हम पानी लगा देंगे और फिंगर की हेल्प से इस तरह से हल्का हल्का सा हमें इसे फिंगर का शेप दे देना है। देखिए, बहुत अच्छे से निखर कर आता है ना, बहुत आसान है बनाना। और हाँ, आपको एक बात मैं आपको बता दूं कि जब भी आप इसमें सीख में अरेंज करें ना, तो पतला ही बैटर लें, क्योंकि जब ये कुक होते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा मोटे हो जाते हैं। तो आपको मैं यही सजेस्ट करूँगी, अगर आप फिंगर नहीं भी देना चाहते, अगर इस तरह से गोल भी करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। मैंने कभी नीचे से मैं दे रही हूँ, या फिर ऊपर से आप कोई भी रिसे दे सकते हैं। और जैसे आप देंगे ना, इस तरह से अपने आप ये बढ़ता चला जाएगा और नीचे की तरफ इस तरह से लंबा होता चला जाएगा। देखिए, यहाँ पर इस तरह से 2 सीख मैंने अरेंज कर ली है। अब हमें इसे सेक लेना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे मैंने तवा ले लिया है और तवे पे मैं इस तरह से रखूंगी और गैस की फ्लेम आप हाई कर ले। हाँ, अगर आप नॉन स्टिकी में से बनाना चाहते हैं ना, तो क्या करेंगे कि नीचे आप नमक डाल दें और इसे ऊपर इस तरह से अरेंज कर ले। अगर आप प्रॉपर इसमें कुक करना चाहते हैं ना, तो आप नीचे नमक वाला लेयर लगाकर इसे प्रॉपर 15 से 20 मिनट का वक्त लग जाएगा इसे कुक होने में। अगर आप मेरी तरह करना चाहते हैं, तो बस ये 2 से 3 मिनट में इस तरह से हाफ कुक हो जाएंगे और हाफ कुक जो हो जाए ना, तब हम इसे उतार लेंगे। तो अब क्या करेंगे कि देखिए,
कि इस तरह से हाफ कुक हो जाएंगे। मेरे पास यहाँ पे दो सीख है, इसलिए मैं इस तरह से वन बाय वन करके सारी सीख को इस तरह से अरेंज करके इसे बना लूँगी। और देखिए अब इसे निकालना भी ना बहुत आसान है। ये मैंने हाफ कुक कर लिए हैं, देखिए हल्का सा इसे पहले ऊपर की तरफ खींचना है, नीचे की तरफ पुश करना है, और इस तरह से करेंगे ना तो बहुत ईजिली निकल जाते हैं। और ये इसकी खास बात यह है कि इसे हमें ज़्यादा कुक नहीं करना होता है। अब इस स्टेज पर आप क्या कर सकते हैं, इसे फ्रीज कर सकते हैं। जब ये थोड़े से ठंडे हो जाएंगे ना, तब आप इस जिप्सॉप पैक भर कर आप इसे फ्रीजर में रख दें, और जब भी आपका दिल चाहे आप इसे बना लें। अब यहाँ पे एक फ्राई पैन लेंगे और इसमें थोड़ा सा मैंने ऑयल ऐड कर दिया है, और इसके अंदर वन बाय वन हमने जितने भी सीख बनाए हैं ना उसे हम डाल देंगे। और डालने के बाद गैस की फ्लेम हमें मीडियम रखना है, स्लो पे इसे कुक ना करें, क्योंकि हमें इसे ज़्यादा कुक नहीं करना। क्योंकि अगर हम इसे ज़्यादा कुक करेंगे तो क्या होगा, इसका मॉइस्चर है वो ख़त्म हो जाएगा, और जो आपके कबाब है ना वो सख्त हो जाएंगे पत्थरों की तरह। तो ऐसा ना हो इसके लिए आप गैस की फ्लेम मीडियम या हाई रखें। पहले हमें मीडियम रखना है, फिर हाई फ्लेम पर इसे टॉस करते हुए अच्छे से इसे कुक कर लेना है। ये देखिए इसे ज़्यादा हमें कुक नहीं करना, बस 2 से 3 मिनट में ही हमें इसे फटाफट से निकाल लेना है। देखिए ये बहुत अच्छे से कलर भी आ चुका है और बहुत अच्छे से ये कुक भी हो चुका है। ऐसा मत समझिएगा कि अंदर से ये कच्चे हैं, बिल्कुल भी कच्चे नहीं रहेंगे, इसका टेस्ट बहुत अच्छा आने वाला है। तो चलिए फटाफट से प्लेटिंग कर लेते हैं। तो ये लीजिए यहाँ पे बनकर रेडी हो चुका है हमारा मटन सीख कबाब बिना तंदूर के, और मैंने इसे सर्व किया है हरी चटनी के साथ, जो इसके टेस्ट को और भी ज़्यादा बढ़ा देता है। एक बार आप इस मेथड से ज़रूर से ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह सभी को बेहद पसंद आने वाला है। अब मैं इसके ऊपर लेमन जूस ऐड कर दूँगी, आप चाहे तो चाट मसाला पाउडर भी स्प्रिंकल करके खा सकते हैं। ये देखिए तोड़ने के अंदाज से ही आपको पता चल रहा होगा कि कितने सॉफ्ट और जूसी है। और अगर आप इसी तरह की कबाब की रेसिपी और भी जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे अपलोडेड है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, या फिर लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां जाकर भी देख सकते हैं। तो मिलते हैं इसी तरह की बेहद आसान रेसिपी के साथ। वीडियो वॉच करने के लिए शुक्रिया, थैंक्स फॉर वॉचिंग।